एक घोड़े ने मुझसे कहा था कि तुम गुलाम हो, कि हिंदुस्तान की मिट्टी में सिर्फ तरपोप पैदा होते हैं। आज उन्हें जवाब देने का वक्त आ गया। जब लड़ने का वक्त आएगा तब लड़ेंगे, अब तो रब का घर बनाना है, फिर रब से कैसी लड़ाई। केसरी रंग का मतलब समझते हो? ये रंग बहादुरी का है, शहीदी का है, फायर। कि आज मेरी पगड़ी भी केसरी, जो बहेगा वो लहू भी केसरी, और मेरा जवाब भी केसरी। Well, friends, and welcome to another episode of Bollywood This Week. But friends, आज के episode में हम review करने वाले हैं अक्षय कुमार की फिल्म केसरी का trailer. My God, अक्षय कुमार ने अपना ये acting prowess, अपनी ये capability और जिस तरह से उन्होंने इस फिल्म के बस trailer में perform किया है, वो performance कहाँ छुपा के रखा था मेरा भाई। What a trailer! I mean, patriotism से भरा हुआ trailer, जोश से भरा हुआ trailer, and इतना बेहतरीन VFX and CGI, बहुत सालों के बाद guys, मणिकर्णिका, बाहुबली, ये दोनों का जो CG है, और VFX है, especially the war sequence, वो एक benchmark है, एक template है, जिससे हम compare करते हैं, you know, आने वाली फिल्मों को, and guys, trust me, जैसे ही इस trailer का, इस 3 minute के trailer का पहला scene open होता है, और जो crowd का, यानि कि उन, you know, 10,000 soldiers लोगों का, you know, एक पूरा का हमें top angle VFX के द्वारा दिखाया जाता है, that visual is पैसा वसूल in the first scene, number one. Number two, जिस तरह की detailing अक्षय कुमार की कॉस्ट्यूम में हुई है, चाहे उनकी पग हो या फिर उनके हथियार हो, उनके कंधे पे जो वो सामान लेकर जा रहे हैं, हर एक चीज इंक्लूडिंग द दाढ़ी। बहुत लोगों को लग रहा था कि यू नो ऑन सेट लोकेशन फोटोज देख के कि उनकी दाढ़ी नकली लग रही है, उनकी दाढ़ी फेक लग रही है, लेकिन मेरा भाई जब हमने इस ट्रेलर में उनकी जो दाढ़ी देखी और जिस तौर से और जिस रुबाब से और जब डायलॉग बोलते हैं केसरी वाला, उनकी दाढ़ी में जो जोश आता है, मैन, एक भी मिनट के लिए नहीं लगेगा कि दाढ़ी जो उन्होंने लगाई है वो आर्टिफिशियल लगाई है। अपार्ट फ्रॉम दैट द फाइट सीक्वेंसेस आर सुपर्बली कोरियोग्राफ्ड। आई मीन 3 मिनट में इतनी जबरदस्त हैंड टू हैंड कॉम्बैट हमको दिखा दी है इस फिल्म के ट्रेलर ने। मैंने आपको पहले ही बोला था इस पूरे के पूरे ऐतिहासिक वाकया जो हुआ था, जहां पे 10,000 सोल्जर्स लोग के साथ, अफगानियों के साथ 21 बहादुर सिख भिड़ गए थे अपनी जान की परवाह न करते हुए, उसका जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट यानी कि तलवारों से हुआ था। वेल, मेरा भाई, इस फिल्म में हमें वो झलकियां देखने मिल जाती है। पूरी की पूरी फिल्म वॉर नहीं होगी, ऑब्वियसली इन सरदारजी सोल्जर्स लोगों को वहां पर मंदिर बनाने का काम दिया जाएगा, और किस तरह से ये अफगान वहां पर टेरिटरी में आके कब्जा करने की कोशिश करते हैं, इनकी बैक स्टोरी भी दिखाई जाएगी यहां पर ट्रेलर में। परिणीति चोपड़ा विच हु आफ्टर एजेस वो फेक नहीं लग रही है। यस, मेरा भाई, बहुत सारी फिल्मों में, चाहे वो गोलमाल ले लो या इवन नमस्ते इंग्लैंड लंदन, जो भी हो फिल्म हो, परिणीति चोपड़ा ने जो अपना इनोसेंस था, जो उनका ओल्ड स्कूल चार्म था, जो शुद्ध देसी रोमांस में था, या फिर पहले जो फिल्म आई थी उनकी लेडी ओसी रिक्की बाल, उस तरह का जो रोमांस था इशक जादे, उन्होंने वो लूज कर दिया था, वो अपने नकली चमक की दुनिया में चली गई थी। लेकिन यहां पर शी इज लुकिंग वेरी स्टनिंग। अक्षय कुमार के जो विजुअल्स है, जो केमिस्ट्री है परिणीति के साथ, वो जबरदस्त लग रहे हैं। लेकिन इस ट्रेलर में जहां पर डायलॉग्स एक नंबर है, बैकग्राउंड म्यूजिक को पीछे रखा नहीं जा सकता। जो बैकग्राउंड आता है, ओ मैन, स्पेशली जो एक कोंकार सपना वो वाला और दूसरा वाला, जो पंजाबियों का जोश, उत्साह, उल्लास बढ़ा देगा, जबरदस्त। द बैकग्राउंड ऑफ दिस ट्रेलर इज इमैक्युलेट। ये ट्रेलर आपके देशभक्ति की भावना भर देता है, जोश की भावना भर देता है, एंड गाइस, बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन करना यहां पर बहुत आसान हो जाएगा कि ये फिल्म लुक्स द बेस्ट कंटेंडर टू टच 200 करोड़ नेट कलेक्शन एट द इंडियन बॉक्स ऑफिस। एंड जो लास्ट वाला सीन है, जब अक्षय कुमार उसको चल झूठा बोलता है, और उनकी जो तलवार रहती है, जो एकदम सलिए तलवार एकदम गरम लोहे में पनप कर ऑरेंज कलर रहता है, और जब उनको वो तलवार मारता है और खींच के निकालता है, जो खून है वो तलवार पे तरतराते हुए दिखाई देता है, इट इज अ मोमेंट ऑफ गूज बम्स एंड अक्षय कुमार शाउटिंग, फैंटास्टिक,
5/5 स्टार्स। 21 तारीख को मार्च में आने वाली ये फिल्म, एक्सपेक्ट अ मिराकुलस ओपनिंग। ये फिल्म मुझे लगता है गोल्ड जैसी गलत नहीं जाएगी। मेरी एक ही दरख्वास्त है अक्षय कुमार के जितने भी फैंस हैं, अपने फिल्म पे ध्यान दो, फिल्म पे कॉन्सेंट्रेट करो, प्रमोट योर मूवी, टॉक गुड पॉजिटिव थिंग्स अबाउट योर फिल्म। एंड 21 तारीख को प्लीज मेरे भाई, जितने भी अकियंस हैं, जाइए अपने स्टार की फिल्म को थिएटर में देखिए, उसे एक सुपर डुपर हिट बनाइए। आपको किसी की जरूरत नहीं, आप इतनी आपकी तादाद है कि आप खुद ही काफी हो अपने स्टार की फिल्म को एक सर्टन अमाउंट के मनी के ऊपर ले जाने के लिए। एंड मुझे लगता है इस फिल्म को पूरा देश देखेगा एंड ये फिल्म 200 करोड़ की पक्का पक्का दावेदार लगती है। सो गाइस, आई होप ये एपिसोड आपको पसंद आया हो। एपिसोड पसंद है प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। स्मियावल अंसारी साइनिंग ऑफ, यू गोना सी मी वेरी सून। देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।